फ्रेंड्स, अगर आपने एवेंजर्स की मूवीज़ देखने के बाद उन मूवीज़ के जैसे सिनेमा को, उन मूवीज़ के जैसे एक्शन सिक्वेंसेस को अभी तक नहीं देखा, बहुत मिस किया है, तो मार्वल एंटरटेनमेंट कोलंबिया पिक्चर्स के साथ मिलकर लाया है वेनम द लास्ट डांस, जो आज 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ हो गई है। ये मूवी एक्शन साइफाई मूवी है और आपके भाई ने इस मूवी का आज पहला शो देख लिया है। फ्रेंड्स, इस मूवी को देखते हुए लग रहा था कि हम कोई सुपर हीरो वाली मूवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं था जैसे कि मार्वल वालों ने पहले किया था, जो इसकी शी हल्क मूवी है या इटर्नल्स है, और भी कई मूवीज़ और वेब सीरीज़ लेकर आए थे, उन्हें देखते हुए लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस रायता फैला दिया है। हम पुराने एवेंजर्स को बहुत मिस कर रहे थे, जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थोर, हल्क, तो वो जो हमारी फीलिंग्स थी इस मूवी में आकर पूरी हो रही हैं। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जो वेनम है, जो वेनम ने अपना काम किया है इस मूवी में, नेक्स्ट लेवल भाई। मूवी देखते हुए लग रहा था कि सुपर हीरो है, वही सिनेमेटिक शॉट्स, विजुअल इफेक्ट्स, फाइटिंग सीक्वेंसेस सारे के सारे टॉप नॉच। वेनम मूवी सीरीज की ये तीसरी मूवी है। हमारे हीरो हैं टॉम हार्डी, जिन्होंने नेक्स्ट लेवल काम किया है। क्या एक्टिंग, क्या फाइटिंग सीक्वेंसेस में अपने एक्सप्रेशंस, और जो उनके अंदर जब वेनम होता है, जब वो बाहर निकलता है और वो जो से टॉकिंग कर रहे हैं, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वेनम में, सारा का सारा एक्टिंग उन्होंने जो की है एकदम अमेजिंग। हालांकि मैं पहली वीडियोस में भी अपनी बता चुका हूं कि हॉलीवुड वाले जो होते हैं वो एक्टिंग तो करते ही नहीं है, जो भी कुछ करते हैं रियली लगता है, बिल्कुल रियली करते हैं। तो इसमें टॉम हार्डी ने कुछ ज़्यादा ही मेहनत की है। एक सीन है जिसमें वो पैराशूट से नीचे उतर रहे हैं, एक्चुअली जब वो जंप कर देते हैं एक एरोप्लेन पे से, तो उनको बचाने के लिए जो वेनम था उनके अंदर, वो एक पैराशूट बन जाता है। तो वो पैराशूट बनने के बाद वो जब लैंडिंग कर रहे होते हैं, तो जब वो ज़मीन पर लैंडिंग करता है, तो उसका जो जंप करने का स्टाइल था, तो उसकी लैंडिंग बिल्कुल रियली लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ, रियली में पैराशूट से ही लैंडिंग की गई है। ज़मीन पर जब टकरा रहे थे तो जो धूल उड़ रही थी, डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे थे, और जो पीछे वेनम पैराशूट बना हुआ था उसका, जो जब वो नीचे आता है तो उसकी जो शेडो ज़मीन पर पड़ रही थी, मतलब एक एक शॉट पर इतनी बारीकी से काम किया, सारा की सारा रियली लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता। टॉम हार्डी ने इसमें कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दी है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर लिस्ट है उसमें टॉम हार्डी का भी नाम है। इस मूवी में कुछ पैसा हमारे मूवी के हीरो टॉम हार्डी का भी लगा हुआ है। मूवी की बेसिक स्टोरी है, हमारा जो वेनम है उसको जिसने क्रिएट किया है, उसका क्रिएटर वेनम के जैसे और भी सिम्बियंस बनाता है, वो उनको सिम्बियन बुलाता है। तो जो सिम्बियंस थे वो अर्थ पर आ गए थे, तो वो अपने क्रिएटर को कैद करके आए थे। कहाँ? यूनिवर्स के बिल्कुल लास्ट में, जब यूनिवर्स ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर एक काला समुंदर है, एक डार्क एरिया होता है, तो वहाँ पर उसे कैद करके आए थे। क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे उसके मंसूबे, इसके इरादे अच्छे नहीं थे, बाद में सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब वो कैद कर दिया, अब उसको कैद करने के बाद उसकी जो चाबी थी वो कहीं थी नहीं। वो चाबी तब बन सकती थी जब कोई सिम्बियन किसी दूसरे मरे हुए जीव को ज़िंदा करे। और इस सीरीज़ की जो दूसरी मूवी है वेनम की, उसमें वेनम ने हमारे हीरो को, टॉम हार्डी को ज़िंदा किया था, तो वो चाबी जो है टॉम हार्डी के अंदर बन चुकी थी। ये बात जब क्रिएटर को पता लगती है, तो वहाँ से वो और तरह तरह के जीवों को भेजता है, जो वेनम की तरह तो नहीं थे लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग थे। वो जब एक जीव आता है, तो पृथ्वी पर जितने भी वेनम थे लास्ट में सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं और सबको रिलीज़ कर दिया जाता है उसे मारने के लिए, तो सारे के सारे उसके सामने बौने साबित हो रहे थे। वो सारे लोगों को मार रहा था अकेले, और फिर लास्ट में तो और भी वैसे ही जीव आ जाते हैं, और भी एलियंस वैसे ही वाले वो क्रिएटर भेज देता है। तब जो फाइटिंग नज़ारे होते हैं भाई भाई भाई, नेक्स्ट लेवल। लग रहा था कि हाँ भाई, कुछ देख रहे हैं। इसका गुड पॉइंट, लास्ट में जब सारे वेनम रिलीज हो जाते हैं, तो एक लेडी वेनम थी जो वो स्टंट कर रही थी, जो उसके फाइटिंग सीन्स थे, क्या अमेजिंग भाई। हीरो जब बाइक से भाग रहा है, वो एकदम बहुत स्पीड से तेज से भागती है, उसके साइड में, उसके बाजू में आ जाती है बिल्कुल, और दोनों साथ साथ भाग रहे होते, बाइक से वो वैसे भाग रही होती है, फिर वहाँ से जंप करती है, वो सारे जो सीन्स बन रहे थे, क्या भाई, एकदम अमेजिंग भाई, बिल्कुल नेक्स्ट टॉप नॉच लेवल भाई। अगर बैड पॉइंट की बात करूँ, तो इस मूवी की जो स्क्रिप्ट है उसको थोड़ा और ब्रॉड करके दिखा सकते थे। एक ऐसी स्टोरी चल रही है जिसमें पूरे ब्रह्मांड को खतरा है, तो उसमें कुछ सीमित से कैरेक्टर ले लिए स्क्रिप्ट राइटर ने, इतना ज़्यादा उसे ब्रॉड करके शो नहीं किया, कुछ कैरेक्टर्स के साथ पूरी स्टोरी गढ़ी और उसको बस गोलमोल करके वहीं की वहीं दबा दिया, ख़त्म कर दिया, बड़ा करके दिखाते इसे। मैं देना चाहूँगा 7 stars out of 10। आप बताएं कि आपके हिसाब से मूवी को कितने स्टार्स देना चाहिए, मूवी इन्जॉय करना चाहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगा मूवी इन्जॉय करने के लिए। बाकी अपने भाई के इस चैनल पर बने रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ आपको। मैं हैरी इंडियन क्रिटिक्स कॉर्नर से, बाय बाय।